ये श्रावण भगवान शिव को अर्पित किया गया है। इस श्रावण में अगर आप मन से, भक्ति से, इच्छा से अगर शिव जी की पूजन करें तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। इस श्रावण में किसी भी सोमवार में आप अगर घर के अंदर इस तीन चीज को अगर आप लाते हो तो इससे आपकी किस्मत खुलती है और खुशियों का आगमन होता है घर में। आइए दोस्तों, ये क्या चीज है ये तीन, आज मैं आपको ये बताऊंगा। नमस्कार, मैं ऋतिक जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस नई वीडियो में। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो शंकर भगवान की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। इस रुद्राक्ष को आपको श्रावण में किसी भी सोमवार के दिन आपको आपके घर पर लाना है और आपके जो फैमिली मेंबर्स है, जो सदस्य है, सबसे जो बड़े हैं, मुख्य है, उनके घर में रखना है, उनके रूम में रखना है इस रुद्राक्ष को। इससे क्या होगा, मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को रखने से पॉजिटिविटीनेस बढ़ती है आपके घरों में, पॉजिटिविटीनेस बढ़ती है और धन धन्य की जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक खुशहाली में कन्वर्ट होती रहती है और एक सुख समृद्धि में कन्वर्ट होती रहती है। आज हम गंगा जल के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी जो सबसे पवित्र मानी गई है हमारे शास्त्र में और हमारे हिंदू कल्चर में, हर श्रावण के सोमवार में आपको गंगा जल लाकर अपने घर में मंदिर में रखना है। इससे आपके घर में पॉजिटिविटीनेस बढ़ती है और इसको हर सोमवार के दिन आपको घर में प्रोक्षण करना है और मंत्र कहना है, ये अपवित्रम पवित्रो वह सर्वावस्थान गतोपि वह यह समृत पुंडरीकाक्षम सभाह्य भयंत्रम सुचि। इस मंत्र का जाप करते हुए प्रोक्षण करना है तो इससे डबल पॉजिटिविटीनेस बढ़ती है। लेकिन मन स्वच्छ होना चाहिए आप सभी का, एकदम स्वच्छ मन से आपको इस मंत्र का जाप करके प्रोक्षण करना है। इससे क्या होगा, इससे आपके फैमिली में एक मिठास बनी रहेगी, जो भी नकारात्मकता है इससे सब कुछ हट जाएगी। आज हम एक चांदी के त्रिशूल के बारे में बात करेंगे। इस चांदी के त्रिशूल को आपको श्रावण के किसी भी सोमवार के दिन अगर आप घर पर लाते हो और इसको घर पर लाकर मंदिर में शंकर भगवान के पिंड या फिर मूर्ति के यहाँ पर आपको इस त्रिशूल को स्थापित करना है। इस त्रिशूल से क्या होगा, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी, इस त्रिशूल से आपके घर में पॉजिटिविटीनेस बढ़ती रहेगी। इस त्रिशूल से आपके घर में जो भी परिवार है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है, इसमें इनमें एक मिठास बनी रहेगी। इस त्रिशूल से इनमें अनबन नहीं होंगे, इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगे। इस त्रिशूल से आप सभी परिवार में एक मिठास बनी रहेगी। कैसी लगी आप लोगों को हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो अवश्य आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने बंधुओं में शेयर कीजिए अवश्य हमारी इस वीडियो को। धन्यवाद।